दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में हार्मोन्स का टॉपिक पढ़ा था एक, और आज हम इसी हार्मोन्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं दोस्तों इसमें हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में बताया था। तो ये पैराथायराइड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम, थायराइड के बारे में, या पैराथीन हार्मोन्स, ये क्या होता है, पैराथायराइड या पैराथीन हार्मोन्स। मैंने आपको बताया था ये जो थायराइड ग्रंथि है उसके शीर्ष पर, उसके जो कोने हैं उस पे पाया जाता है पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथीन हार्मोन्स। मैंने आपको बताया जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि होती है गले वाली, ये वाली जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। और इसका जो आकार होता है, इसकी जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, वो होती है एच के टाइप की, ठीक है, एच के आकार जैसी होती है इसकी शेप। और इसके चारों कोनों पर देखो ये वाली चीज, चारों कोनों पर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है पैराथीन हार्मोन्स कह दो या पैराथायराइड बोल दो इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्मोन्स है ये कब निकलते हैं, मैंने ये पैराथायराइड या पैराथीन हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को, शरीर जो बॉडी है हमारी, उसे कांपने से रोकते हैं, ठीक है। अगर पैराथीन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट या मतलब कांपने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि हाथ वगैरह कांपने स्टार्ट हो जाए, पैर कांपने स्टार्ट हो जाए, वो कभी कभार, ये तो एक्सेप्शन केस हो सकता है कि भाई डर की वजह से कांप रहे हैं, लेकिन जिसके रेगुलरली कांपते हैं या कंटिन्यू कांपते रहते हैं तो वो पैराथीन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसमें मैंने थायराइड ग्रंथि में, चलो एक तो ये हो गया, और थायराइड ग्रंथि में मैंने आपको बताया था इसके प्रभावित होने पर घेंगा रोग हो जाता है, यहाँ पर बॉल टाइप की लटकने स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ जो घेंगा रोग किसके कारण होता है, वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन कहाँ से मिलता है हमें, समुद्र की शैवालों से, मतलब जिसे हम काई कहते हैं उससे मिलता है आयोडीन। और आयोडीन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी, जिस भी नमक में, वो क्वालिटी में अच्छा माना जाता है, ठीक है। घेंगा रोग या गलकंड रोग हम इसको बोलते हैं जब ये हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स की, कि कौन से हार्मोन्स और देखेंगे हम। अब देखेंगे हम दोस्तों एड्रेनल हार्मोन्स, ये कैसे हार्मोन्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो एड्रेनल हार्मोन्स है ये कैसे होते हैं दोस्तों, एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो हार्मोन्स है ये होते हैं किडनी के ऊपर, किसके ऊपर होते हैं, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं टोपिनुमा आकार में। किडनी के ऊपर कैसे, लो एक डायग्राम बताता हूँ मैं आपको इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो टोपिनुमा है ये कौन से हार्मोन्स है, ये है एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं। एड्रेनल हार्मोन्स कब स्रावित होते हैं, कब निकलते हैं हमारी बॉडी से, जब हम ज़्यादा दुखी या ज़्यादा हमें खुशी अनुभव होती है ना, महसूस होती है, तो तब ये स्रावित होते हैं। तो इसको या तो हम आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, मतलब कभी कभी ये स्रावित होते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं एड्रेनल हार्मोन्स को। ये क्वेश्चन आता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किस नाम से जाना जाता है, तो एड्रेनल को जाना जाता है, ठीक है। और किस कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किडनी के ऊपर और टोपिनुमा आकार में। चलो ये तो एड्रेनल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा हमने, अब नेक्स्ट देखते हैं हम और हार्मोन्स देखेंगे दोस्तों। आज ये हार्मोन्स का टॉपिक हम समाप्त करेंगे। अब देखेंगे हम, एक मैंने आपको ग्रंथि बताई थी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स या मास्टर ग्रंथि। ये कैसी ग्रंथि है दोस्तों, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, मैंने इसमें बताया था कि ये जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, और कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में सबसे छोटी है, लगभग 0.3 या 0.2 से लेकर मतलब 3 तक इसका वेट है, बहुत ही बारीक है ये। और इस ग्रंथि में, ये ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट है, इस ग्रंथि में सोमेटोपिक हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसको हम STH भी कहते हैं, ठीक है, सोमेटोपिक हार्मोन्स। सोमेटोपिक हार्मोन्स STH हार्मोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी, तीनों नाम है इसी के नाम है, ठीक है। तो ये सोमेटोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, इसी हार्मोन्स के कारण
ठीक है, वृद्धि होती है हमारे शरीर की, तो इसको हम ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स मतलब वृद्धि करने वाले हार्मोन्स हैं, वृद्धि करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, वो होता है सोमेटोपिक हार्मोन्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, देखो इसे वृद्धि करने वाला हार्मोन्स ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा अधिक बौना होने का कारण किसकी कमी है, सोमेटोपिक हार्मोन्स की कमी है, ठीक है। अधिक लंबा होने का कारण सोमेटोपिक हार्मोन्स की क्या है, वृद्धि मतलब अधिकता। ऐसा नहीं है कि 6 फीट वाले को हम ये कह देंगे या 6.5 फीट वाले को कि भाई सोमेटोपिक हार्मोन्स ज्यादा है, इससे भी अधिक जो हमें लगे कि ये तो घना ही ज्यादा हो गया, तो वो चीज, ठीक है। तो सोमेटोपिक हार्मोन्स क्या करता है, हमारी वृद्धि करता है। देखो ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि, पूरे शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि, मतलब हड्डियों की क्या करता है, बोन ग्रोथ करने में मदद करता है। सोमेटोपिक हार्मोन्स कहाँ पर पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि पर पाया जाता है, ठीक है, सोमेटोपिक हार्मोन्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करेंगे दोस्तों, लैंगिक जनन ग्रंथि, लैंगिक जनन ग्रंथि मतलब जो बच्चे को जन्म देने के काम में आती है, वे ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये दोनों जो ग्रंथि हैं, जो लैंगिक जनन है मतलब नर और मादा, मेल और फीमेल में पाई जाती हैं, तो ये दोनों ग्रंथि कहां पाई जाती हैं, तो ये दोनों ग्रंथि आंतों के, जो आंत होती है हमारी, आंतों के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों ग्रंथि कहां पाई जाती हैं, आंतों के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। अब जो मेल है, मेल में क्या होता है, मेल में जो जनन ग्रंथि है, जो जन्म देने वाली ग्रंथि है, वो होती है वृषण, ठीक है। और फीमेल में होती है ओवरी, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। अगर इसमें हार्मोन्स की बात करें तो जन्म देने वाले हैं जिन्हें हम सेक्सुअल हार्मोन्स कहते हैं, वो मेल में होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में हार्मोन्स तो दोस्तों वे होते हैं प्रोटोस्टेरोन, ठीक है। दोनों में पूछा जा सकता है कि लैंगिक हार्मोन्स कौन कौन से, ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हार्मोन्स की दोस्तों, नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करेंगे, ये जो है अब हम बात करेंगे स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन्स, स्टी हिंदी में लिख देता हूं, स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन्स। ये वाले हार्मोन्स कहां पाए जाते हैं, ये हार्मोन्स पाए जाते हैं थायराइड जो ग्रंथि मैंने आपको बताई थी, जिसका आकार एच आकार है, जस्ट उसके नीचे पाए जाते हैं स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन्स। इनका कार्य क्या होता है, देखो इसका कार्य है, इसकी कमी से, अगर ये इस वाले हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इसकी कमी से दुबले हो जाते हैं लोग, है ना, इसकी कमी से दुबला या पतला बोलते हैं होना, मतलब अधिकता से भी ज्यादा पतला, और अधिकता, इसकी अधिकता से मोटे हो जाते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा मोटा, ठीक है, हो जाना। हमारी बॉडी आपने देखा होगा बहुत बहुत मोटे होते हैं व्यक्ति, ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा मोटे, स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। अब एक हार्मोन्स और है जिसे हम बोलते हैं मिलेनोसाइट हार्मोन्स। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। जो मिलेनिन पिगमेंट होता है, लीवर हमारा लगभग 22 तरह के पिगमेंट बनाता है, जैसे मैंने आपको बिलूरिबिन पिगमेंट बताया था कि भाई पीले का पीला रंग बिलूरिबिन पिगमेंट के कारण, प्लाज्मा जो ब्लड का पार्ट है उसका भी पीला रंग किसके कारण होता है, ये बिलूरिबिन पिगमेंट के कारण होता है। एक होता है हमारा बाइल जूस जिसे हम पित्त रस कहते हैं, जो पित्त बनता है,
ठीक है, तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें अलग पिगमेंट होता है, विलीवर्डिन पिगमेंट पाया जाता है। तो लगभग मतलब जो हमारा लीवर है वो 22 तरह के पिगमेंट बनाता है। तो ऐसे ही मिलेनोसाइट हार्मोन्स क्या करता है कि ये मिलेनिन पिगमेंट को क्या करता है, मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, को कंट्रोल करता है। अब इसका क्या कार्य है, मिलेनिन का कार्य क्या होता है, देखो ये त्वचा का रंग मिलेनिन पर ही निर्भर करता है। जो त्वचा का रंग है, जो हमारे स्किन का कलर है, त्वचा का रंग मिलेनिन पर निर्भर करता है। अगर बिल्कुल काला रंग है, जरूरत से ज्यादा की त्वचा का काला रंग होना, किसके कारण, मिलेनिन पिगमेंट की कमी, मिलेनिन पिगमेंट की या मिलेनोसाइट हार्मोन्स की कमी, ठीक है। अगर अधिक, जरूरत से ज्यादा अधिक गोरे आपने देखे होंगे, तो ये मिलेनिन या मिलेनोसाइट की अधिकता होती है इसमें दोस्तों, ठीक है, अधिकता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में भी, कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ पर पाया जाता है, एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम हार्मोन्स करवा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था अग्नाशय, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, पाचन तंत्र में अग्नाशय। मैंने इसमें बताया था कि इसमें कितने प्रकार की कोशिका होती है, तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से जानते हैं। लगभग चार प्रकार की बताई थी, अल्फा, बीटा, थर्ड नंबर पे डेल्टा, और फिर बताई थी एफ सेल, ठीक है। अल्फा बताई थी 20%, बीटा बताई थी 70%, और ये 5%, और ये भी 5%, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय में जो कि मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, और जिसकी संख्या केवल एक ही है, तो मैंने आपको बताया था ये जो बीटा सेल्स है, इस बीटा सेल्स में एक हार्मोन्स बनता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों इंसुलिन हार्मोन्स। और मैंने आपको बताया था आजकल इस ये वाली जो बीमारी बहुत चल रही है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होता है, तो मैंने आपको बताया था मधुमेह बोल दो, या डायबिटीज, या शुगर, ठीक है, ये रोग होता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाने से हमारी बॉडी में। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है, ये बन रहा कहाँ पर है, ये बन रहा है अग्नाशय में, मतलब बीटा सेल्स पर, जो मात्रा में सबसे अधिक कौन सी सेल्स पाई जाती है, बीटा सेल्स ही पाई जाती है। ये इंसुलिन हार्मोन्स, देखो इसके नाम पर एक दिवस और मनाने लगे, उस दिवस को पूछा जाता है बहुत बार, तो ये भी ध्यान रखना है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर, ठीक है। डायबिटीज या शुगर दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये जो हार्मोन्स का टॉपिक है, जो हमने मेन हार्मोन्स है वे सारे देख लिए हैं, हार्मोन्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको हार्मोन्स का टॉपिक ये पूरा कंप्लीट करा दिया है, और यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। अब हम कोई नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन का बटन और प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।